हेलो एवरीवन लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर का ये दूसरा पार्ट है तो आइए शुरू करते हैं नब्बे प्रश्न से प्रश्न है नाइन सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द कॉलोनी और सेटलमेंट ऑफ रैग आंसर Simapuri is the settlement of over 10,000 rag who migrated here from Bangladesh in 1971. तो बांग्लादेश से 1971 में विस्थापित होकर के जो दस हज़ार से ज़्यादा लोग आए थे और पीकर्स वो सीमापुरी में रहते हैं इट इज़ ऑन द पेरी फेरी ऑफ दिल्ली येट इट इज़ माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से अगर ये देखा जाए तो ये दिल्ली से दूर हैं लेकिन ये दिल्ली की परिधि में है दिल्ली के परिचेत्र में स्थित है पीपल लिव इन सब ह्यूमन कंडीशंस देर इज़ नो सेवल्स ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट सच लिटिल हैल कैन एग्जिस्ट सो नियर द कैपिटल ऑफ इंडिया तो ये विश्वास करना एक प्रकार से कठिन है कि इतनी ख़राब कंडीशंस में लोग जो है भारत की राजधानी के पास में रहते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पीकिंग इल्यूसिडेट वर्णन कीजिए कि सीमापुरी में रहने का मतलब है रैग पीकिंग का कार्य करना आंसर सीमापुरी अ प्लेस ऑन द आउट स्केट्स ऑफ दिल्ली दिल्ली की परिधि क्षेत्र के बाहर स्थित सीमापुरी इज अ सेटलमेंट ऑफ रैग पीकर्स यहाँ पर जो रैग पीकर हैं वो लोग रहते हैं ओवर टेन थाउजेंड पीपल मोस्टली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन नाइनटीन ज्यादातर 1971 में बांग्लादेश से विस्थापित होकर के यहाँ पर आए हुए लोग लगभग दस के आस लोग आर इंगेज इन दिस जॉब रैक पीकिंग के में लगे हुए हैं चिल्ड्रन स्क्राउंस फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स बच्चे जो हैं वो कचरे के ढेर में यहाँ पर जो है कुछ चीजें ढूंढते हुए पाए जाते हैं गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज रैप्ड इन वंडर फॉर एल्डर्स इट इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल तो बच्चों के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है है ना वंड रैप्ड इन वंडर एंड एल्डर्स के लिए ये रेग पीकिंग का कार्य जो है ये जीवित रहने का एक साधन है एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग का कार्य करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी फॉर रैग पीक सी इज द ऑथर डू यू एग्री वाई लेखक ये कहते हैं कि भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए लोगों को अनाज की ज्यादा आवश्यकता है आइडेंटिटी uh, uh, की बजाय तो क्या आप इस बात से सहमत हैं uh, कैसे अनिस जंग राइटली थिंक्स दैट फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी फॉर द रैग पीकर्स। अनिस जंग यहाँ पर कहती है कि जो रैग पीकर्स हैं सीमापुरी में रहने वाले उनको अपनी पहचान साबित करने की बजाय उनके लिए जीवित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है मोर देन टेन थाउजेंड रैग पीकर्स ऑफ सीमापुरी हैव लिव देयर फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी सीमापुरी में रहने वाले ये दस हजार से ज्यादा रेग पीकर्स पिछले तीस वर्षों से ज्यादा समय से बिना किसी परिचय पत्र के यहां पर रहते हैं दे हैड टू लीव देयर ब्यूटिफुल लैंड इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में उन्हें अपनी जो सुंदर धरती थी हरे भरे खेत थे वो छोड़ने पड़े थे वेयर एवर दे फाइंड फूड जहां भी उन्हें भोजन प्राप्त होता है दे पीच देयर टेंट्स वो अपने तंबू गाड़ देते हैं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पीकिंग और सीमापुरी में जीवित रहने का मात्र जरिया जो है वो है रैग पीकिंग का कार्य एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व थ्रू द इर्स रेग पीकिंग हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट इन सीमापुरी जस्टिफाई द स्टेटमेंट ये वर्षों के वर्षों से ये जो रेग पीकिंग का कार्य है इसने एक एक कला का रूप धारण कर लिया है सीमापुरी में इसे इस इस कथन को जस्टिफाई कीजिए तो आंसर लिखना है कि इन सीमापुरी एवरी वन इज़ अ पार्टनर इन सर्वाइवल एंड हैंड्स रैग पीक uh, यहां पर प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने के लिए अपना योगदान करता है रेक पीकिंग का कार्य करता है ऑल हैव हैव टू वर्क फॉर सर्वाइवल सभी लोगों को ये काम जीवित रहने के लिए करना पड़ता है एक्चुअली दे बिकम प्रोफेशनल अब ये वास्तव में तो यह है कि वो व्यावसायिक कार्य उन्होंने एक, अपना लिया है एक तरीके से इसे रेक पीकिंग इज नो मोर डल एंड डर्टी जॉब इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट अब ये उनके लिए कोई निर कार्य नहीं रहा बल्कि उन, इन इस ए, ये काम जो है इन लोगों के लिए एक प्रकार से कला बन गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज दार्बेज आर द ऑफ अदर टेन थाउजेंड रैक पीकल्स लाइक साहेब तो साहिब जो है गार्बेज डंप्स में साहिब क्या ढूंढता है एंड वट आर दॉब्स ऑफ आवर अदर टेन थाउजेंड रैक पीकर लाइक साहिब साहिब के जैसे जो बाकी दस हजार रैक पीकर उनकी आशा क्या है आंसर लिखेंगे कि साहिब इज अ पुअर रैक पीकर ऑफ सीमापुरी साहिब सीमापुरी का एक गरीब रैक पीकर है कूड़ा कचरा बिनने वाला है लाइक अदर टेन थाउजेंड चिल्ड्रन दूसरे दस हजार बच्चों के समान ही ऑल्सो लुक्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज वो भी कचरे में कोई कीमती चीज ढूंढता हुआ पाया जाता है ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स स्कैनिंग द गार्बेज हीप्स वो भी अपने दोस्तों के साथ वो गार्बेज हीप्स को ढूंढता हुआ देखा जा सकता है समटाइम्स ही फाइंड इवन अ टेन रुपी नॉट इफ लक्की ही कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अप ऑफ गार्बेज गार्बेज इज रेप्ड इन वंडर ऑफ़ वीक लाइफ साहेब एंड क्वेश्चन नंबर फॉर साहेब इवन सूज विथ होल इज़ विज ड्रीम कम ट्रू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इस कथन की पुष्टि इस कथन को क्या, क्या, क्या की व्याख्या कीजिए कि साहेब के लिए यहाँ तक कि एक जूते में होल होते हुए भी स्वप्न सच होने के समान है आंसर लिखना है कि साहेब अरपीकर ऑफ सीमापुरी रिमेन सुजलेस जूते नहीं होते इन लोगों के पास में मोस्ट ऑफ सच चिल्ड्रन रिमेन सुजलेस ज्यादातर बच्चे बिना जूतों के रहते हैं पेरेंट्स टू बाय फॉर हिम इनके माता पिता इनके लिए जूते खरीदने की, की सूरत में नहीं होते हैं साहेब गॉट डिस्कार्डेड टेनिस शूज ऑफ सम रिच बॉय द रिच बॉय रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ फॉर साहेब वन सूज विथ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाउ डज साहेब फील वर्किंग इन अ टी स्टॉल इज ई हैपियर देय साहेब ने टी स्टॉल पर काम करना जो है Uh, कैसा महसूस करता है वो वहां पर काम करना है? क्या वो uh, खुश है वहां पर काम करते हुए तो आंसर लिखना है कि साहिब नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड सड़क के किनारे वो एक टी स्टॉल पर काम करता है ही इज पेड एट हंड्रेड रुपीज एंड ऑल हिज मिल्स उसे आठ सौ रुपए और अपना सभी भोजन वहां पर दिया जाता है बट इवन देन ही डजेंट सीम टू बी हैप्पी लेकिन वो खुश नहीं है द स्टिल कैनिस्टर ही कैरीज नाउ इज हैर देन द प्लास्टिक बैग ही यूज टू कैरी ऑन Soldiers, जो स्टील का कैनिस्टर अभी वो लेके जा रहा है वो कैनिस्टर उसे अपने उस बैग के बजाय भारी लग रहा है ही इज नो लॉन्गर इज मास्टर ही इज जस्ट अ सर्वेंट नाउ अब वो एक नौकर है अब वो अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा थैंक यू इसी के साथ ये वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए जो नए लोग हैं और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए थैंक यू वेरी मच